गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज चैप्टर इज द रिमेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, द चैप्टर 22, द इंडस सिटीज़। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इंडस सिटीज़, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस रिवर के किनारे बनी थी और यहाँ पे हाउसेस कैसे थे, कैसे सिटीज़ को वेल प्लान किया गया था, उनके किस तरह से वो जो हाउसेस होते थे वो बनते थे, क्या उनकी कैसे वो मकान के दरवाजे और स्विमिंग पूल, बाथ हाउस सब कुछ उनके यहाँ वेल प्लान्ड था। नेक्स्ट इज लाइफ इन द इंडस वैली। अब इंडस वैली में लाइफ कैसी थी, लोग कैसे काम करते थे, क्या क्या काम करते थे। यहाँ पर लोग अलग अलग तरह का काम करते थे। पीपल वर्क डिफरेंट, मतलब पीपल जो थे वो डिफरेंट टाइप्स के वर्क करते थे। सम पीपल ट्रेडर्स होते थे, ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी, जो व्यापार करते थे, मतलब चीज़ों को खरीदते थे और बेचते थे। कुछ होते थे क्राफ्टमैन, जो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते थे, ज्वेलरी वगैरह बनाते थे, क्लॉथ, बीड्स, स्टैचू, खिलौने, ये सब बनाते थे और इनको दूसरे लोगों को बेचकर उनसे दूसरी चीज़ें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें उनसे ले देते थे। और जो ट्रेडर्स होते थे वो बेचने और ख़रीदने का काम इसी तरह से करते थे। वे सेल करने के लिए वो लोग दूसरे सिटीज़ में भी जाते थे और जाने के लिए वो कौन सा रास्ता चूज़ करते थे, सी रूट। सी रूट पर से जाते थे क्योंकि उस समय आज की तरह ट्रेन और सड़क ये सब नहीं बने थे, तो इसलिए ट्रेवल के लिए वो सी रूट को चूज़ करते थे। और इसके लिए वहाँ पर गुजरात में लोथल में एक पोर्ट बनाया गया था। पोर्ट मीन्स बंदरगाह। तो जिसको भी ट्रेड करना होता था, मतलब व्यापार करना होता था, दूसरे सिटीज़ में जाना होता था, तो वो लोग समुद्र के रास्ते से जाते थे और इस रास्ते पर जाने के लिए उनको पोर्ट की ज़रूरत थी, जो लोथल में गुजरात में है वहाँ पर बनाया गया था। ये देखिए, ये सब टॉयज, स्टैचू, पॉट्स, ये सब आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ पार्ट्स जो बचे हुए मिले थे, जो हिस्टोरियन थे जब उन्होंने ढूंढा, इनको सर्च किया, तो ये सारी चीज़ें मिली, जिससे कि हम उस टाइम पीरियड के बारे में इन चीज़ों से जान पाते हैं कि कैसे खिलौने होते थे, स्टैचू होते थे, किस तरह के पॉट्स बनाए जाते थे। तो हमें फॉसिल्स से, मतलब उनके अवशेषों से ही हमें इनके बारे में पता चलता है। नाउ क्लूज फ्रॉम द पास्ट, हमें इनके चीज़ों के बारे में, पास्ट के बारे में इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि उनकी टॉयज कैसे थे, ज्वेलरी कैसे बनाते थे, किस टाइप्स की बीड्स वो यूज़ करते थे। तो इन सब चीज़ों से हमें उनके बारे में पता चलता है। जब कोई भी सिविलाइजेशन बनती है तो बहुत सालों बाद उसका रुइंस भी हो जाता है। रुइंस मतलब विनाश हो जाता है। कभी फ्लड आया या अर्थक्वेक आया तो बिल्डिंग्स टूट फूट के दब गई, या फ्लड आया तो उसमें कुछ चीज़ें बह गईं, तो इस तरह से चीज़ें धीरे धीरे उनका विनाश हो गया। और बाद में जब हिस्टोरियंस ने उनकी जानकारी की, उनके बारे में सर्च की, पता लगाया, तो हमें इन चीज़ों से उनके पार्ट्स मिले, जिनसे हम आज उनके बारे में थोड़ा बहुत जान पाते हैं कि कैसे वो लोग को सामान बनाते थे, किस तरह की ज्वेलरी यूज़ करते थे। तो इन सब चीज़ों से हमें उनके बारे में पता चलता है। इन सब चीज़ों को हमें देखकर पता चलता है कि वो गुड बिल्डर्स और प्लानर्स थे। जो ये उनकी जब खुदाई की गई सिटीज़ हमें जो मिली, तो ये सब देखकर हमें पता चला कि वो लोग गुड प्लानर्स होते थे और गुड बिल्डर्स भी होते थे, क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग्स को अच्छी तरह बनाया था। इसी के साथ साथ कुछ अच्छे उनके पोटरी भी मिली, बर्तन मिले, कुछ स्टैचू और कुछ ज्वेलरीज मिली। इससे पता चलता है कि वो गुड क्राफ्टमैन होते थे, अच्छी चीज़ों को बनाना जानते थे। इसी के साथ साथ उनके टॉयज मिले, डाइज मिले, मार्बल्स, जिससे पता चलता है कि वो लोग डिफरेंट टाइप्स के गेम्स भी प्ले करते थे, मतलब खेल में भी, खेल कूद में भी उनको इंटरेस्ट था। इसी के साथ साथ बहुत सारी सील्स मिली, मतलब मोहरें मिली, जिससे हमें पता चलता है कि वो इन सील्स पर कुछ लिखते भी थे, लेकिन इन राइटिंग्स को पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हम पढ़ नहीं सकते,
ये साइंस और सिंबल्स वो लोग यूज़ करते थे इनको लिखने के लिए, जो कि अभी हमें पढ़ना इसके बारे में नहीं पता चल पाया है, लेकिन हिस्टोरियंस बराबर इसकी सर्च कर रहे हैं कि वो इसके बारे में पता लगा सके कि क्या लिखा गया है और इनका मतलब क्या है। तो इस तरह से उनकी चीज़ों को देखकर हम उनके बारे में पता कर सकते हैं कि वो कैसे रहते थे, किन चीज़ों को बनाते थे, उनके गेम्स क्या थे, वो कैसी ज्वेलरी पहनते थे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर। ओके, गुड बाय।